हेलो गाइस, मेरा नाम विजय। तो गाइस, आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करूंगा एचपी की लेटेस्ट 2020 एडिशन प्रोबुक 450 लैपटॉप को, जो कि आता है इंटेल के लेटेस्ट 10 जनरेशन कॉमेटलेक प्रोसेसर के साथ में। और यहां पे हमें ऑप्शन मिल जाता है एक एनवीडिया के जीफोर्स MX250 ग्राफिक कार्ड का। तो दिखने में तो ये लैपटॉप लास्ट जनरेशन के प्रोबुक 450 G6 लैपटॉप की तरह ही लगता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इंटरनल चेंजेस करे गए हैं, जो कि मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है अपना HP ProBook 450 G7 लैपटॉप, जिसे निकाल के मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पे हमें कुछ पेपर वर्क भी देखने के लिए मिल जाता है इसी लैपटॉप का। सो दिस इज द वारंटी इन्फॉर्मेशन एंड क्विक स्टार्ट गाइड फॉर दिस लैपटॉप, इसे भी रखते हैं साइड में। एंड देन फाइनली हमें बॉक्स के अंदर मिलता है इसी लैपटॉप का चार्जर। और अगर चार्जर के अडेप्टर की रेटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें मिलता है 65 वॉट का अडेप्टर टू चार्ज द 45 वॉट आवर बैटरी इन दिस लैपटॉप। और अगर पावर आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलता है एक DC आउटपुट इसी लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। तो गाइस, ये थे बॉक्स कंटेंट्स। आते हैं अपने लैपटॉप की तरफ और सबसे पहले हटा देते हैं इसकी आउटर पैकेजिंग। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है अपना 450 G7 लैपटॉप, और हाथ में पकड़ते ही बहुत ही प्रीमियम सी फील दे रहा है ये लैपटॉप। वेट की अगर बात करें तो ये लैपटॉप है 2 kg का, विच इज गुड फॉर अ 15.6 inch लैपटॉप। और अगर थिकनेस की बात करें इस लैपटॉप की, तो दिस लैपटॉप इज 19 mm थिक। और यहाँ पे ये डिजाइन सिल्वर कलर में बहुत ही ज्यादा पॉलिश लग रही है। डिजाइन की अगर बात करें तो ये लैपटॉप सेम डिजाइन कैरी करता है एज अ 2019 मॉडल, और यहाँ पे डिजाइन में कुछ ज्यादा चेंज नहीं करे गए हैं। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, दिस लैपटॉप लुक्स वेरी स्टाइलिश एंड पॉलिश। लैपटॉप की लिड को अगर ओपन करते हैं तो हमें मिलती है एक 15.6 inch की फुल HD डिस्प्ले, जो कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, तो आउटडोर विजिबिलिटी यहाँ पे बहुत ही अच्छी होने वाली है। डिस्प्ले की अगर बात करूं तो कलर कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं हमें। व्यूइंग एंगल्स बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन ये डिस्प्ले सिर्फ 52% sRGB के साथ आती है, तो कलर्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऑफ लगते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, ये लैपटॉप बहुत ही एक एवरेज डिस्प्ले कैरी करता है। एंड देन ऊपर की तरफ हमें मिल जाता है एक 720p वेबकैम विद दिस शटर, तो यहाँ पे आप अपने वेबकैम को हाइड कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस, बिकॉज दिस इज अ वर्क मशीन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको कुछ वर्क फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर हमें मिलता है एक बहुत ही प्रीमियम कीबोर्ड इसी लैपटॉप का, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। कीज के टेक्सचर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही स्मूथ लग रहा है। कीज टाइप करने में भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ही क्वाइट फील दे रही है। और ये कीज एक बैकलेट के साथ आती है, एंड ऑल्सो फॉर अकाउंटिंग पर्पस यहाँ पे एक नंबर पैड भी देखने के लिए मिल जाता है, विच इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर टाइपिंग इफ यू आर डूइंग योर अकाउंटिंग एंड ऑल। तो एक बहुत ही प्रीमियम कीबोर्ड आपको इस मिड रेंज सेगमेंट के वर्क मशीन में मिल जाता है। और फिर हमें मिलती है इस लैपटॉप में इंस्टॉल इंटेल के 10 जनरेशन कॉमेटलेक प्रोसेसर की ब्रांडिंग। तो यहाँ पे ये लैपटॉप आता है इंटेल के लेटेस्ट 10 जनरेशन कोर i5 प्रोसेसर के साथ में। और यहाँ पे हमें एक ग्राफिक कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है, विच इज़ द एनवीडिया जीफोर्स MX250 ग्राफिक कार्ड, जो कि लेटेस्ट है एनवीडिया की तरफ से। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ बैटरी, ये लैपटॉप आपको बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ देने वाला है विद अ 45 वॉट आवर बैटरी इंस्टॉल्ड इन दिस लैपटॉप। और साथ ही हमें मिलता है ये 10 जनरेशन इंटेल का प्रोसेसर, तो बैटरी मैनेजमेंट यहां पे बहुत ही ज्यादा अच्छा करा है इस लैपटॉप ने। तो यहां पे आपको एक बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल जाएगी, अलोंग विद द परफॉर्मेंस, जो कि यहां पे एक बहुत ही अच्छी होने वाली है इसी 10 जनरेशन प्रोसेसर के और इस ग्राफिक कार्ड के साथ में। तो अगर आप इस लैपटॉप को लाइट वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग के लिए भी लेते हैं, ये सारे ही टास्क फिर भले आप वेब ब्राउजिंग करते हैं इस लैपटॉप में या करते हैं अपनी अकाउंटिंग इस लैपटॉप के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा कीबोर्ड मिल जाता है विद द बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस विद द 10 जनरेशन प्रोसेसर फ्रॉम इंटेल। और ऑडियो एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है विद द फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स। तो यहाँ पे जैसे आप ग्रिल देख सकते हैं, ये एक स्पीकर ग्रिल है, तो आपको एक फ्रंट फायरिंग ऑडियो एक्सपीरियंस मिलने वाला है इसी लैपटॉप का। एंड देन अगर इस लैपटॉप के फिजिकल ओवरव्यू की बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बिल्ड मटेरियल क्या है इस लैपटॉप के। तो सामने की तरफ हमें यहाँ पे एक प्लास्टिक बिल्ड देखने के लिए मिल जाती है, बैक साइड में भी एक प्लास्टिक बिल्ड है, एंड देन साइड में आई थिंक यहाँ पे मेटल यूज करा है कुछ पार्ट्स में, लाइक दिस एंड दिस साइड। तो यहाँ पे हमें मेनली एक प्लास्टिक बिल्ड देखने के लिए मिलती है अलॉन्ग विद द साइड ऑफ दिस लैपटॉप विच इज बिल्ड विद मेटल।
और अगर पोर्ट्स की हम बात करते हैं इस लैपटॉप के, तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी वैरायटी ऑफ पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं एज दिस इज अ बिजनेस मशीन। तो राइट साइड में हमें देखने के लिए मिलता है सबसे पहले एक डीसी इन पोर्ट जहाँ पे आप अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। उसी के पास में लगा है यहाँ पे एक चार्जिंग इंडिकेटर, यहाँ पे लगा है एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट, उसके पास में लगा है एक फुल साइज ईथरनेट पोर्ट, और यहाँ पे लगा है एक एचडीएमआई पोर्ट, पास में लगे हैं दो यूएसबी टाइप ए पोर्ट जो कि यूएसबी 3.1 को सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे हमें मिल जाता है एक हेडफोन जैक किसी लैपटॉप का। लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें मिलता है कैंसिंगटन लॉग, एक और यूएसबी टाइप ए पोर्ट, और यहाँ पे मिलता है हमें इस लैपटॉप का फैन जो कि इस लैपटॉप की हॉट एयर को बाहर फेंक देगा, और यहाँ पे मिलता है एक फुल साइज एसडी कार्ड स्लॉट फॉर योर एसडीएचसी एसडीएक्ससी कार्ड फॉर्मेट्स, और पीछे की तरफ लगे हैं इस लैपटॉप के वेंट्स, तो यहाँ पे दो ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है सेपरेट हमें वेंट्स के लिए। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि इस लैपटॉप में आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने के लिए मिल जाता है फॉर योर बायोमेट्रिक्स। सो गाइस इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डिसेंट वर्क मशीन विद गुड परफॉर्मेंस, और यहाँ पे डिवाइस आपको एक बहुत ही अच्छे लुक्स भी दे देता है, ऑल्सो द अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शंस आर वेरी गुड इन दिस डिवाइस। आप यहाँ पे 2 TB तक की हार्ड ड्राइव और 1 TB तक की SSD इंस्टॉल कर सकते हैं इस डिवाइस के अंदर। ऑल्सो यू गेट अ डुअल चैनल रैम स्लॉट ऑन दिस डिवाइस, तो यहाँ पे आप अप टू 32 GB रैम इंस्टॉल कर सकते हैं इस डिवाइस के अंदर, और कूलिंग सिस्टम भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है इस डिवाइस के अंदर। तो ओवरऑल एक बहुत ही वेल मैनेज वर्क मशीन है एचपी की तरफ से, और ऑफ कोर्स ये बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी है। सो विद दैट सेड गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप आगे भी इसी टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड देन आई विल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो।